हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज PR 305 विषय रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तृतीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव और इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमको जब ओरिजिनल हमारे पास कलर्ड होता है तो हम 4 कलर के डिफरेंट सेपरेशन तैयार करते हैं, और डिफरेंट सेपरेशंस को तैयार करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है कलर फिल्टर का। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कलर फिल्टर्स क्या होते हैं, और कलर फिल्टर्स को वन बाय वन हम प्लेस करते हैं कैमरा के लेंस बैरल पर और एक एक करके CMYK के नेगेटिव्स को शूट करते हैं, और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्क्रीन एंगल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट कलर सेपरेशन जब हमने आपको बताया था उसमें बताया था कि हर कलर के लिए अलग अलग स्क्रीन एंगल्स लगा करके फिल्टर लगा कर स्क्रीन लगा कर हाफ टोन नेगेटिव शूट करते हैं और हमको चारों कलर के अलग अलग कलर सेपरेशन नेगेटिव्स मिल जाते हैं। उनमें से एक चौथा कलर का नेगेटिव है, इसको हम ब्लैक बोलते हैं और केट से डिनोट करते हैं। CMY के अलावा जो चौथा K है इसको क्रिप्टॉन बोलते हैं, K for Krypton, और ये जो K कलर है हमारा इसको हम ब्लैक बोलते हैं। और ब्लैक कलर का नेगेटिव तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो तीनों फिल्टर को एक साथ यूज़ करें तो वाइट लाइट जनरेट होती है और हमारे पास ब्लैक प्रिंटर के डॉट्स जनरेट होते हैं, या फिर हम येलो फिल्टर का समटाइम्स विदाउट फिल्टर भी हम विद स्क्रीन यूज़ करते हैं तो सेपरेशन का नेगेटिव या 4 कलर में ब्लैक कलर का नेगेटिव तैयार होता है, इसको हम ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव। To produce a set of 4 color separations, the original is scanned on an electronic color scanner using RGB filters, red, blue, green light source, and output of for printing purpose as CMYK separations. जिस प्रकार से हम जब स्कैनर के ऊपर हम स्कैनिंग करते हैं तो 3 कलर के फिल्टर RGB filters का यूज़ करके और चारों कलर के सेपरेशन नेगेटिव तैयार करते हैं। यही काम हम कैमरे में मैनुअली भी करते थे जब हम फिल्टर का प्रयोग करते थे, और इस तरह से चारों कलर सेपरेशन नेगेटिव्स हमको प्राप्त होते थे। द यूज़ ऑफ BGR कलर सेपरेशन फिल्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस YMC सेपरेशंस और प्रिंटिंग प्लेट्स। ब्लैक इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम ए येलो और ऑरेंज कॉम्बिनेशन टाइप फिल्टर्स। ब्लैक के लिए येलो फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, ऑरेंज फिल्टर का भी यूज़ कर लेते हैं, तीनों कलर के फिल्टर के साथ लगा यूज़ कर सकते हैं, या विदाउट फिल्टर भी हम ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव को तैयार कर सकते हैं। ब्लैक में क्योंकि डॉट्स की परसेंटेज बहुत कम होती है, और 14 कलर केवल हम इसलिए प्रिंट करते हैं कि हमको ब्लैक कलर की डेप्थ को बढ़ाना होता है 4 कलर प्रिंटिंग प्रोसेस के रिप्रोडक्शन में। ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव इन कलर रिप्रोडक्शन, द प्लेट ब्लैक प्लेट इज जनरेटेड टू इंक्रीज कंट्रास्ट ऑफ डार्क टोन्स एंड मेक देम अपीयर न्यूट्रल, जिससे न्यूट्रल इफेक्ट दिखाई दे और डार्क टोन की कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन कलर द एब्सेंस ऑफ ऑल और नियरली ऑल रिफ्लेक्टेड लाइट्स फ्रॉम अ सरफेस एज द प्रिंटिंग ऑफ एन इंक विद नो परसेप्टिबल ह्यू। मतलब हम ये चाहते हैं कि उस कलर का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई ना दे, बट एक डेप्थ इंक्रीज हो जाए 4 कलर के इमेज के ऊपर। इन फिजिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन और सराउंडिंग अ बॉडी थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम विद इट्स एनवायरनमेंट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एंड आइडियलाइज्ड ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव बॉडी। फिजिक्स में जो ब्लैक बॉडी है जो ब्लैक कलर का उत्सर्जन करती है उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। टेक्निकली हाउएवर देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट ब्लैक, कोई भी परफेक्ट ब्लैक नहीं होती है। तब इसलिए जब हम 4 कलर की पेंटिंग करते हैं उसमें हमको परफेक्ट ब्लैक नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हम चौथा कलर प्रिंट करते हैं जिससे उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाए और परफेक्ट ब्लैक प्रिंटिंग का इफेक्ट हमको मिल पाए। ब्लैक कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग द सब्ट्रैक्टिव कलर प्रिंट प्राइमरीज, सियान, मैजेंटा और येलो को जब मिलाते हैं तो ब्लैक इफेक्ट तो आता है बट परफेक्ट ब्लैक नहीं आता है। ब्लैक इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू 1 or 4 inks प्रोसेसिंग्स और प्रिंटिंग वेयर इट इज़ डिनोटेड एज अ के और CMYK। CMYK में के जो है वो ब्लैक को डिनोट करता है, इसको ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन, हम इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन की बात करते हैं। जब हम कलर सेपरेशन करते हैं तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं CMYK कलर्स तैयार करते हैं, और जब इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन का प्रयोग करते हैं तो हमको इसको 2 स्टेप में करना होता है। एक बार तो कंटिन्यूस टोन नेगेटिव तैयार करे जाते हैं फिल्टर लगा करके, और उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है
इसको हम इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन बोलते हैं। इन द इनडायरेक्ट मेथड द हाफ ट्विन नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स आर नॉट मेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी बट फ्रॉम इंटरमीडिएट कंटिन्यूस टोन सेपरेशंस। द यूज ऑफ कंटिन्यूस टोन नेगेटिव्स मेक्स पॉसिबल द ब्रॉडर यूज ऑफ द मास्किंग प्रोड्यूस प्रोसीजर्स फॉर द टोन कंट्रोल एंड कलर करेक्शंस एंड एलिमिनेट द वेरी लॉन्ग एक्सपोजर विच आर समटाइम्स नीडेड फॉर डायरेक्ट हाफ टोन वर्क। और इसके अंदर बहुत सारे लंबा प्रोसीजर एक्सपोजर का है, वो सारा उसका कम हो जाता है, बार बार एक्सपोज करने की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल एक बार हम कंटिन्यूस टोन नेगेटिव तैयार करके उसकी स्क्रीनिंग करके इसको यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट हाफ टोन में। हमको स्क्रीन डायरेक्ट में क्या फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट एक बार यूज़ कर लेते हैं और इनडायरेक्ट में दो स्टेप में हमको शूट करना होता है इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन नेगेटिव को। इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन रिटचिंग ऑफ और कलर करेक्शंस कैन बी डन ऑन द कंटिन्यूस टोन इमेजेस either by using retouching pencil or by standing with a neutral dye. When any one of several masking methods is used, much of the handwork can be eliminated. The indirect method is capable of improving the general reproduction of detail and color separation in the separation negatives. It also makes possible an improvement in the dot structure of photo engraving plates because less handwork is necessary. Most masking techniques are more practical when used with the indirect method. एक full color image either reflection copy such as a print to transparency transmission copy such as a transparency was photographed 3 times through a red filter which produces the cyan film, a blue filter which produces the yellow film and a green filter which produces the magenta film. An additional film black will also needed to add the shading and contrast. These 4 films called printers or process color separated films would then be used to make plates. इस प्रकार से चारों कलर के नेगेटिव तैयार होते हैं इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन मेथड से, और जिनकी हम बाद में 4 कलर की सेपरेटेड अलग अलग प्लेट्स बनाते हैं CMYK की, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक की, और उससे फिर हम 4 कलर की प्रिंटिंग करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं कलर सेपरेशन के, डायरेक्ट कलर सेपरेशन और इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन की। ऑफन एडिशनल मैनुअल कलर करेक्शन सच एज डॉट एचिंग वॉज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट एनी द एरर्स जनरेटेड बाय द कलर सेपरेशन प्रोसेस। द शॉर्ट हैंड टर्म ऑफ दीज 4 प्रोसेसेस कलर CMYK इज एक्रोनिम ऑफ द 3 subtractive primaries plus K for black and K stands for key as it was the black printer that was printed first and used to guide for the subsequent registration of the other colors. जब हम 4 कलर के negatives बनाते हैं जिनमें black जो मुख्य होता है, जिससे हम depth बनाते हैं, contrast बनाते हैं printing का, सर प्रिंटिंग सर में रिप्रोडक्शन सर कॉपी का, और ये क्या होता है एज ए स्पेशल नेगेटिव तैयार किया था, इसको ऊपर से लास्ट में प्रिंट करते हैं और उसको K से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने कलर सेपरेशन उपलब्ध हैं, दिखाई दे रहे हैं ब्लैक एंड वाइट कलर सेपरेशन और कलर्ड फिल्टर्स लगा करके अलग अलग 4 कलर के सयान मजेंटा येलो और ब्लैक के नेगेटिव सेपरेशंस तैयार किए गए हैं। और जब हम उनको प्रिंट करेंगे तो राइट वाली जो पिक्चर है इनका इफेक्ट हमको दिखाई देगा 4 कलर का। और ब्लैक एंड वाइट में ऊपर आप देख रहे हैं इसको भी अलग अलग शेड्स डेवलप करके ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से सेपरेशंस तैयार किए जाते हैं हाफ टोन प्रिंटिंग के लिए, हाफ टोन सेपरेशन तैयार करते हैं। अनदर फोटोग्राफिक टेक्निक नोन एज इनडायरेक्ट फोटोग्राफिक कलर सेपरेशन मेथड इज ऑल्सो यूज। द ओरिजिनल इमेज सेपरेटेड इंटू इंडिविजुअल प्राइमरी कलर कंपोनेंट्स एंड कंटिन्यूस टोन फिल्म्स आर मेड फॉर ईच ऑफ द सेपरेशंस। फ्रॉम कंटिन्यूस टोन फिल्म द हाफ टोन नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स आर क्रिएटेड। Advantage in first creating continuous tone separations before creating the half tones is that the continuous tone separations can be reduced or enlarged and corrected before the actual half tone film are produced. Indirect color separation, the color separation created from photographic method are used to prepare analog plates for traditional printing methods. Each plate corresponds to one of the 4 colors, cyan, magenta, yellow or black. The plates are coated with the corresponding ink colors during the printing process and the inked image from the plates is transferred to the substrate. The varying sizes of the halftone dots on the plate determines the amount of ink that will be printed on the substrate.
द डॉट फ्रॉम ईच ऑफ द डिफरेंट कलर्ड इमेजेस ओवरलैप टू प्रोड्यूस द फुल कलर इमेजेस। थैंक यू। आज आपने पढ़ा है इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन के बारे में और ब्लैक प्रिंटर नेगेटिव के बारे में।